हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्यू। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेज नंबर 6 के इंटेक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन सभी रिएक्शंस के लिए हमें उनके सिंबल्स को लिखना है और उन्हें बैलेंस भी करना है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास में सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब हम बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बेरियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट किया जाता है BaCl2 से, प्लस सोडियम सल्फेट को रिप्रेजेंट किया जाता है Na2SO4 से। ये मिलकर के बना रहे हैं बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो ये हमने उनके सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया। अब इन्हें हमें बैलेंस करना है। तो बेरियम के पास में यहाँ पर नंबर ऑफ एटम है 1, क्लोरीन के पास में है 2, सोडियम के पास में है 2, सल्फर के पास में है 1 और ऑक्सीजन के पास में है 4। यहाँ पर बेरियम के पास में है नंबर ऑफ एटम 1, सल्फर के पास में नंबर ऑफ एटम 1, ऑक्सीजन के पास में है 4, सोडियम के पास में है 1, क्लोरीन के पास में है नंबर ऑफ एटम 1। तो ये हमने देख लिया कि नंबर ऑफ एटम आपके बराबर नहीं है। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको देखना है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास में। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है आपके ऑक्सीजन के पास में, जो कि रिएक्टेंट साइड में भी 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। सल्फर के पास में नंबर ऑफ एटम है 1, इधर भी 1 है, और बेरियम के पास में भी नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 और 1। तो यहां पर तो कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां पर है, क्लोरीन के पास में नंबर ऑफ एटम है 2 और क्लोरीन के पास में नंबर ऑफ एटम है यहां पर 1, और सोडियम के पास में नंबर ऑफ एटम है 2 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में है 1। तो अगर हम इसमें 2 लगा दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। कैसे, सोडियम के भी 2 एटम हो गए, क्लोरीन के भी 2 एटम हो गए प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में भी कितने हो गए, 2। बाकी सभी चीजें आपकी बैलेंस है ऑलरेडी। तो ये हो गई आपकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो इस पार्ट पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में और प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और वाटर। तो चलिए इस इक्वेशन को लिखते हैं और इसे बैलेंस भी करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट किया जाता है NaOH से, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से और बना रहा है आपका प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस वाटर यानी कि H2O। तो अब देखते हैं इस इक्वेशन को, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है। सोडियम के पास में नंबर ऑफ एटम है 1, इधर भी है 1, ऑक्सीजन के पास में है 1, इधर भी ऑक्सीजन के पास में 1, हाइड्रोजन के पास में 1 और 1, 2 हाइड्रोजन के पास में है 2, क्लोरीन के पास में नंबर ऑफ एटम है 1 और इधर भी कितने हैं, 1। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हमें कुछ नहीं करना था, ये हमारी ऑलरेडी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।